गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर अपना पीरियोडिक टेबल। नीट में पीरियोडिक टेबल से हर साल एक क्वेश्चन तो आता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साथ में ये बेस है, किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इसमें अपने को ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है और अपने को पीरियड टेबल हमेशा याद रहनी चाहिए। तो पीरियड टेबल की पहले हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डोबेनायर की त्रिक, डोबेनायर की त्रिक के बारे में बात करें। यह क्या कहता है कि ज्ञात तत्वों को उनके तीन तीन गुणों में समानता वाले तत्वों की त्रिक बनाई गई। क्या बनाई गई? त्रिक बनाई गई और देखा गया कि पहले तथा तीसरे तत्व, क्या बताया डोबेनायर ने कि तीन तीन तत्वों की त्रिक बनाई गई और देखा कि पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे अपन देखें लिथियम एंड पोटेशियम के लिए बात करें, लिथियम के लिए अपन कितनी बताते हैं? 7, और पोटेशियम के लिए कितना करें? 39। तो इसके लिए अपने को काउंट करना है तो अपन क्या बताएंगे? एटॉमिक वेट किसका? सोडियम का 7+39/2 कितना आ जाएगा? 46/2 कितना आया? 23। तो ये एटॉमिक वेट किसका आ गया? ये आ गया सोडियम का आ गया। किसका आ गया? सोडियम का। तो डोबेनायर ने क्या बताया कि पहले तथा तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार किसके बराबर होता है? दूसरे तत्व के बराबर होता है। अब उसने जो तरीके बनाई थी उन तरीकों का पर अगर अब जो आवर सारणी दी गई है किस किस पर फॉलो करती है, किस पर फॉलो नहीं होती, किसकी कौन सी जगह बनती है और कौन सी जगह नहीं बनती, ये पूछ लेता है वो कई बार। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उस पर देखते हैं। इस हिस्ट्री पर पहले वर्ग में अगर बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम, पोटेशियम रूबीडियम सीजियम। दूसरे में बात करें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अब देखें सोडियम पोटेशियम इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 3, 11, 19। अपने को कैसे पता चलेगा ये त्रिक है या नहीं है? इसका पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक कैसे है? ये ट्रिक है कि अगर इनमें डिफरेंस सेम हुआ, इनमें अंतर समान हुआ, इनमें अंतर कितना है? 8 का। इनमें अंतर कितने का है? 8 का। इनमें अंतर कितने का होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37, 18। जिनमें अंतर समान होगा वह तो त्रिक होगी और जिनमें अंतर समान नहीं होगा वह त्रिक नहीं होगी। तो आपको कोई पूछे क्या सोडियम पोटेशियम रूबीडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम त्रिक होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपको पूछे सोडियम पोटेशियम रूबीडियम त्रिक होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 18 का। अगर आपको कोई पूछे पोटेशियम रूबीडियम एंड सीजियम, क्योंकि यहाँ भी अपन करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? 18 का आएगा। तो यहाँ भी 18 का डिफरेंस है और यहाँ भी 18 का है, तो ये भी त्रिक होगी। तो ये भी त्रिक होगी और ये भी त्रिक होगी, परंतु ये त्रिक नहीं होगी, ये त्रिक नहीं होगी। सेम यही बात करें कि यहाँ पर ये त्रिक होगी, ये त्रिक होगी, परंतु ये त्रिक नहीं होगी, ये त्रिक नहीं होगी। कौन? मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम त्रिक नहीं बनेगी, जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम त्रिक होगी, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी त्रिक होगी। ऐसे ही अगर अपन पी ब्लॉक में देखें,
सॉरी अगर इनमें बात करें अपन त्रिक के लिए बात करें इनमें त्रिक की बात करें तो जो यहां पर अपन देखें एटॉमिक नंबर कितना 9 17 35 इनमें डिफरेंस कितने का होगा 8 का यहां कितने का आएगा 18 का यहां भी कितने का आएगा 18 का ही डिफरेंस होगा तो ये वाली तो अपनी त्रिक बन जाएगी पर ये वाली अगर आपको कोई पूछे तो एक त्रिक नहीं होगी तो ऐसे ही ये भी त्रिक होगी ये भी त्रिक होगी ये भी त्रिक होगी आप करके देख लेना और ये भी त्रिक होगी तो मैंने आपको फंडा बताया है कैसे पता लगाओगे कि त्रिक है या नहीं है यदि डिफरेंस समान है यदि अंतराल समान है तो वो त्रिक होगी वरना त्रिक नहीं होगी यदि उनके परमाणु क्रमांक में अंतर समान मिलेगा अपने को तो वो त्रिक होगी वरना नहीं होगी तो ये तरीके बनाए अपने एस ब्लॉक में अपने को त्रिक कहाँ कहाँ मिल रही है यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है और पी ब्लॉक में एक वर्ग में एक ही त्रिक मिल रही है जबकि एस ब्लॉक में एक वर्ग में दो दो त्रिक मिल रही हैं इसकी कमियाँ क्या थी इसकी कमियाँ ये थी कि सभी तत्वों का त्रिक बनाना संभव नहीं था सभी तत्वों का त्रिक बनाना संभव नहीं था नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट किसने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया न्यूलैंड ने न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करें न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड के अष्टक नियम में देखें एक अष्टक नियम किसका लुईस का अष्टक नियम था एक लुईस का अष्टक नियम आएगा आगे और सुना हुआ भी होगा आपका लुईस का अष्टक नियम क्या कहता है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी परिवर्ती के होते हैं और जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कुछ के तो हो जाते हैं और कुछ के नहीं होते और जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होते उनके अष्टक न्यून यौगिक और इन जिनके अष्टक 8 से ज्यादा हो जाते हैं उन्हें अष्टक प्रसार यौगिक कहा जाता है तो फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम आवर्त सारणी के लिए दिया गया न्यूलैंड का अष्टक नियम में न्यूलैंड क्या बोलता है यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो आने वाला आठवां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है जैसे कि अपन स्वर की बात करें सारे गामा पा उसमें आने वाला आठवां जो स्वर है वो अपने पहले से के साथ समानता प्रदर्शित करता है वैसे ही आने वाला आठवां तत्व अपने पहले से पहले एलिमेंट के साथ क्या समानता प्रदर्शित करता है जब न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था उस टाइम तक क्या नहीं किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी अक्रिय गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी अपन देखें कैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अक्रिय गैसों की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो आने वाला आठवां तत्व कौन हो जाएगा सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आने वाला आठवां तत्व कौन हो गया सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम ऑर्गन इस ऑर्गन के बाद कौन आ गया सॉरी ऑर्गन क्या रे कैल्शियम कैल्शियम के बाद कौन आ गया कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए कौन आ गए डी ब्लॉक तत्व आ गए तो डी ब्लॉक तत्व यहाँ पर कितने आएंगे 10 आएंगे तो यहाँ पर आते आते न्यूलैंड का अष्टक का नियम फेल हो गया मतलब ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ कैल्शियम के बाद में ये लागू नहीं हुआ भारी तत्वों पर ये लागू नहीं हुआ और अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये पूर्णतः असफल हो गया क्यों क्योंकि अक्रिय गैसों में आने वाला आठवां तत्व कौन हो गया फिर
यहाँ कौन हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। नियोन और लिथियम के गुणों में तो रात दिन का अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और ये लेस रिएक्टिव होती हैं। इनके बंद बनाने की क्षमता होती नहीं है, इनके बंद बनाते हैं। इनके सब कुछ चीजें अलग हैं किनसे, इनसे। तो ये अक्रिय गैसों की खोज के बाद में न्यूलैंड का अष्टक का नियम पूर्णतः असफल हो गया। और पहले भी ये कहां तक लगा, ये कैल्शियम तक ही लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया, लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया किसके किसके बीच में, परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच में, परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच में। तथा उसने देखा उस ग्राफ में, उसने क्या देखा उस ग्राफ में, एक ऐसे जो ग्राफ बनाया था उसने, जो ये टॉप जगह थी यहां पर किसको रखा, क्रियाशील धातुओं को, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं, पहले वर्ग की, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, उच्च वगर स्थान पर किसको रखा, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को। इस स्थान पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जबकि यहां पर आरोही क्रम पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहां पर किसे रखा, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को, और नीचे किसको रखा, भारी धातुएं जैसे फेकोनी, डी ब्लॉक हो गए, एफ ब्लॉक हो गए, इनको रखा। तो आपको वो ऐसे पूछ सकता है, लोथर मेयर वक्र है वो कैसे प्लॉट किया गया, किनके किनके बीच में, परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच में प्लॉट किया गया, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा ये पूछ सकता है कि उसने वक्र के शीर्ष पर किसको, ग्राफ के शीर्ष पर किसको रखा, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं मतलब क्षार धातुओं को रखा, अवरोही क्रम पर किसको रखा, आरोही क्रम पर किसको रखा, अवरोही पर किसको रखा, क्षारीय मृदा धातुओं को, आरोही क्रम पर किसको रखा, किसको, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कौन है, ऐ धातुएं कौन है, हैलोजन वर्ग को रखा, किसको रखा, हैलोजन वर्ग को, और तल के नीचे तली में किसको रखा, ग्राफ के तली में किसको रखा, उसने भारी धातुओं को रखा, किसको रखा, भारी धातुओं को। तो लोथर मेयर के वक्र में भी अपने को ज्यादा याद नहीं रखना है, हिस्ट्री में अपने को ज्यादा रटना नहीं है, सिंपल सिंपल ये याद रखना है किनके किनके बीच में, परमाणु आयतन, परमाणु भार, ग्राफ के ऊपर ऊपरी स्थान किस पर दिया, क्षारीय धातुओं को, अवरोही किसको है, आरोही किसको है, तल में कौन है, ये बस इतनी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कमियां क्या थी, इस ग्राफ का अध्ययन करना आसान नहीं था, हर किसी के बस की बात नहीं थी कि इस ग्राफ को अध्ययन कर ले, इसलिए इस ग्राफ का अध्ययन करना आसान नहीं था। नेक्स्ट तो देखते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं अपने अच्छे क्वेश्चन बनने, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लिए अगर बात करें,
कि मेंडलीफ की आवर सारणी क्या कहती है इसके बारे में बात करें। पहली तो बात यह, मेंडलीफ की आवर सारणी किस पर बेस्ड थी? मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार वर्ग तथा आवर्त में व्यवस्थित किया। ये लिखिए लाइन, इंपोर्टेंट है। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त तथा वर्ग में विभाजित किया। इसने आवर्त तथा वर्गों में विभाजित किया, किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। बढ़ता हुआ क्रम देखा परमाणु भार के, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तो किसके आधार पर हो गया? परमाणु भार के आधार पर हो गया। इसने कुल 7 आवर्त तथा 8 वर्ग लिए, 7 आवर्त तथा 8 वर्ग लिए। इन 8 वर्गों में बात करें 1 to 7 को उपवर्ग ए तथा बी में बांटा, एक से लेकर जो 7 तक के वर्ग थे उनको उपवर्गों में बांटा, किसमें? ए तथा बी में। और 8वें वर्ग में जो 8 नंबर वर्ग था उसमें 3 पाली रखी। क्या रखी? 3 पालियां। क्या रखी? 3 पालियां रखी। तो क्या किया मेंडलीफ ने? सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त तथा वर्ग में विभाजित किया। सेकंड बात करें अपन, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। थर्ड बात करें, 7 आवर्त तथा 8 वर्ग लिए। फर्स्ट टू जो 7 थे उनको उपवर्ग ए तथा बी में बांटा, 8th को 3 पालियों में बांटा, इसमें 3 पालियों में बांटा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बात करें, मेंडलीफ ने कुछ तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की। उसने जो तत्व खोजे गए नहीं गए थे उनके स्थानों को रिक्त छोड़ दिया तथा उन्हें एक विशेष नाम दे दिए और उनके बारे में भविष्यवाणी की कि जो आएंगे वो ऐसे होंगे, क्या का? ए का बोरोन। अब उस टाइम किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी? उस टाइम स्कैंडियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ए का बोरोन किसे कहा? स्कैंडियम को कहा। किसे कहा? स्कैंडियम को कहा। ए का एल्युमिनियम, ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकन, ए का मैग्नीज। ये 4 तत्वों की उसने भविष्यवाणी की कि ए का बोरोन कौन होगा, ए का एल्युमिनियम कौन होगा, ए का सिलिकन कौन होगा, ए का मैग्नीज। ए का बोरोन किसके लिए बोला था उसने? स्कैंडियम के लिए बोला था। ए का एल्युमिनियम किसके लिए बोला था? जर्मेनियम के लिए बोला था। उस टाइम जिस जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ए का सिलिकन किसके लिए बोला था? ए का सिलिकन गैलियम के लिए बोला गया था, सॉरी, हाँ सही, गैलियम के लिए। ए का बोरोन, स्कैंडियम, ए का एल्युमिनियम, गैलियम, ए का सिलिकन, जर्मेनियम, ए का मैग्नीज, टेक्नीशियम के लिए बोला गया। किसके लिए? टेक्नीशियम के लिए बोला गया। तो अपन बोले ए का बोरोन, स्कैंडियम, ए का एल्युमिनियम, गैलियम, ए का सिलिकन, जर्मेनियम, ए का मैग्नीज, टेक्नीशियम। इसको टेक्नीशियम को बोला गया। किसको बोला गया? टेक्नीशियम को बोला गया। इनके लिए बात करें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी अगर देखें अपन, आप देखोगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी से किस प्रकार भिन्न थी और उसने किसको कैसे कैसे रखा। तो अपन ने पता लगाया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। कुल 8 वर्ग थे। लास्ट वर्ग को 3 पालियों में बांटा। ये कौन सा वर्ग था? फर्स्ट वर्ग था ये, सेकंड वर्ग था ये, थर्ड वर्ग था ये, फोर्थ वर्ग था ये, फिफ्थ वर्ग था ये, सिक्स्थ वर्ग था ये, सेवंथ वर्ग था और ये एट्थ वर्ग था। इनको उपवर्गों में बांटा और आठवें में क्या किया गया? 3 पालियों को रखा गया। आठवें में 3 पालियों को रखा गया। उपवर्ग कौन से हो गए? ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, यहाँ ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए एंड बी। और इसमें क्या रखा गया? 8 को रखा गया। 7 आवर्त रखे गए, 1, 2, 3, 4 5 और ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां किसको? फर्स्ट ए में किसको रखा गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। फर्स्ट बी में किसको रखा गया? फर्स्ट बी, ये तो फर्स्ट ए है, इसमें किसको रखा गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को रखा गया। अब फर्स्ट बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां किसको रखा गया? फर्स्ट बी किसे बोला गया? कॉपर, एजी, एयू को बोला गया। किसको? कॉपर, एजी, एयू। आज के दिन में अगर आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में देखा जाए तो बेटा तुम देखोगे कॉपर, एजी, एयू। फर्स्ट बी किसे बोला गया है? आगे जाकर 11वें वर्ग को अपन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 11वें वर्ग। जबकि मेंडलीव ने क्या किया? इन दोनों को पास पास रखा। ये मेंडलीव की गलती थी, उसकी कमियां थी। उसकी कमियों में अपन बात करेंगे कि उसने क्या किया। कॉपर, एजी, एयू को किसके साथ रख दिया? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ रख दिया। सेकेंड बी में किसे रखा उसने? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को रखा। जबकि सेकेंड बी में किसे रखा? जिंक, कैडमियम और मरकरी को रखा। किसे रखा? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को रखा। यहाँ कौन है? कॉपर, एजी, एयू। थर्ड ए वर्ग में बात करें तो ये अपने को पता है कौन है। फोर्थ ए में बात करें फिफ्थ ए में बात करें सिक्स्थ ए में बात करें सेवंथ ए में बात करें इस हिसाब से उसने
इनको डिवाइड किया, यहाँ किसको रखा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, पी को नी पी डी पी टी पी डी पी टी। यहाँ बात करें फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोनशियम, इसमें फर्स्ट बी में कॉपर, ए जी, ए यू, सेकेंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, सेकेंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी, थर्ड ए में बोला, अली गया, इंडियन टिल्लू, यहाँ पर इसको ऐसे रखा गया। अब अपन बात करें उसकी कमियाँ क्या क्या थी। तो मेंडलीफ की सबसे बड़ी कमी थी क्या कि मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर और असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग, असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। कैसे, अपन बात करें मेंडलीफ की सबसे बड़ी कमी क्या थी। मेंडलीफ की सबसे बड़ी कमी ये थी कि मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग तथा असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। असमान गुणों वाले तत्व जैसे अपन इनके लिए बात करें, कॉपर AgAu एंड पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के लिए बात करें, इनके लिए बात करें तो अपन क्या देखेंगे, ये जो पहले वर्ग वाले हैं अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। दूसरी बात करें, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक क्या है, कम है, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, इनकी बहुत ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में अगर तुम्हें पूछा जाए सबसे क्रियाशील धातुएं कौन से वर्ग में हैं, तो प्रथम वर्ग के जो धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इनमें धातुक बंध कैसा होता है, कमजोर होता है। साथ ही ये मुलायम प्रवृत्ति की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो इनके लिए बात करें, कॉपर एजी एंड एयू के लिए बात करें, वैसे इनको बोला क्या जाता है, कॉपर एजी एयू को, याद रखना बेटा, आगे नोट भी करवाऊंगा, इनको सिक्का धातुएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिक्का धातुएं, किसको, कॉपर एजी और एयू, या इनके कीमती धातुएं, प्रिसिस मेटल्स बोला जाता है। कीमती धातुएं क्यों बोला जाता है, सिक्का धातुएं क्यों बोला जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में इनसे क्या बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, जैसे सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे, एयू सिक्के बनाए जाते थे, इनके सिक्के बनाए जाते थे। इनके ये बहुत कम क्रियाशील कठोर होती हैं, कैसी होती हैं, कठोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कैसे होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मुलायम होते हैं, कम क्रियाशील होती हैं, कठोर होती हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होते हैं। बात समझ में आई, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उसने समान गुणों वालों की बात करें अपन, जैसे AU एंड PT की बात करें, किसकी AU एंड PT की बात करें, AU एंड PT के लिए बात करें, दोनों ही अत्यधिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं, अक्रिय धातुएं, इन्हें क्या कहा जाता है, अक्रिय धातुएं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अक्रिय धातुएं, इनको अक्रिय धातुएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। किसी से अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ,
किसी अमल क्षार से अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। याद रखना बेटा, ये केवल और केवल एक्वा रेजिया, इसमें एक्वा रेजिया, ये केवल और केवल एक्वा रेजिया में सोल्युबल होती हैं, घुलनशील होती हैं। क्या होती हैं? घुलनशील। एक्वा रेजिया क्या चीज है? कंसंट्रेट सांद्र HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HNO3 क्या है? कंसंट्रेट H1 और इसका क्या है? 3, 1:2, 3 का रेशियो आ गया किसका? कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl का। याद रखने का तरीका होगा, जो ज्यादा है वो कम और जो कम है वो ज्यादा, जो ज्यादा है वो कम और जो कम है वो ज्यादा। ये एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। कौन? जो AU एंड PT होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्रिय धातुएं बोलते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये अत्यधिक कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर। अगर शुद्ध रूप में देखा जाए, AU तथा PT किसी ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करती, इसलिए अगर शुद्ध AU है, सोना है, तो कभी भी काला नहीं पड़ेगा। जबकि जो AZ है वो फिर भी थोड़ी बहुत एयर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? Az2O बना लेती है, जो क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। इसलिए चांदी कुछ टाइम तक पड़ी रहने पर कैसी हो जाती है? ब्लैक कलर की हो जाती है, किसी काले कलर की हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बात। इसकी क्या क्या और कमियां थी? तो अपने ये कमियां नोट कर ली अपने, कि इसने असमान गुणों वालों को साथ साथ रखा और समान गुणों वालों को दूर दूर रखा। अब आप आधुनिक आवर्तसारणी के दीर्घ रूप में देखोगे, ये AU किसके पास है? PT के पास पड़ा है। कहाँ पड़ा है? PT के पास। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, इसकी और कमियां क्या थी? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। जो अभी तक निश्चित नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बेटा? आवारा तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। उसे हैलोजन के साथ भी रखा जा सकता है और उसे फर्स्ट वर्ग के साथ भी रखते हैं। तीसरी जो मेंडलिफ की सबसे बड़ी कमी थी वो क्या थी? मेंडलिफ ने जो अपनी आवर्त सारणी थी किसके आधार पर दी थी? परमाणु भार के आधार पर दी थी। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर दी थी। परमाणु भार, समस्थानिकों की बात करें, समस्थानिकों का परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। समस्थानिकों का परमाणु भार अलग अलग होता है, फिर भी मेंडलिफ ने समस्थानिकों को एक ही स्थान प्रदान किया। मेंडलिफ ने समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा, जबकि उनका परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। उनका परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, फिर भी उनको क्या दिया? एक ही स्थान दिया। नेक्स्ट, जो मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी थी किसके आधार पर दी थी? परमाणु भार के आधार पर दी थी। किसके आधार पर दी थी? परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर दी थी, तो जो कम परमाणु भार वाला तत्व है वो कहाँ आना चाहिए था? वो पहले आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था? पहले आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। परंतु कई जगह पर उसने अपने ही नियमों की अवहेलना की। जैसे अपन देखें ऑर्गन एंड पोटेशियम। ऑर्गन का जो परमाणु भार होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? पोटेशियम के। पोटेशियम का था 39.1, इसका होता है 39.9 के आसपास होता है। जबकि पहले कौन आता है? पहले ऑर्गन आता है और उसके बाद में पोटेशियम आता है। जबकि उसने ये आवर्त सारणी किसके आधार पर दी थी? परमाणु भार के आधार पर दी थी। उसके अनुसार तो क्या पहले आना चाहिए? पोटेशियम पहले आना चाहिए और ऑर्गन बाद में आना चाहिए। कई जगह उसने देखा कोबाल्ट, निकिल। ऐसे अपन देखें निकिल का परमाणु भार कम होता है किसकी तुलना में? कोबाल्ट की तुलना में। ऐसे ही अपन बात करें TEI, था पा, इन स्थानों पर मेंडलिफ ने अपने ही नियम की अवहेलना की। आगे वाले तत्व का परमाणु भार कम था किसकी तुलना में? पीछे वाले तत्व की तुलना में। तो ये याद रखना, इन स्थानों पर मेंडलिफ ने अपने ही नियमों की अवहेलना की। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में स्थान नहीं देकर कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी के
नीचे रखा गया, जो आज भी आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की कमियां चल रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किसके आधार पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, इसमें कुल 7 आवर्त तथा 18 वर्ग बनाए गए। 7 आवर्त तथा 18 वर्ग बनाए गए। आवर्त सारणी को बना देते हैं जल्दी से। आप भी बना लीजिए, मैं इसको साफ कर सकता हूं, आप साफ नहीं कर सकते, इसलिए आप तरीके से बनाना। ये 7 आवर्त हो चुके हैं। यहां क्या रखा गया? फटाक से बना लीजिए अभी। वर्ग ज्यादा बन गए, कम कर लेना अपने। वन टू थ्री फोर फाइव, इसलिए तो मैंने कहा था मैं साफ कर सकता हूं, आप साफ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे बनाए। ये अपने पास आधुनिक आवर्त सारणी बन चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप में अपन देखें, टोटल 18 आवर्त, 18 वर्ग और 7 आवर्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्या थे? आवर्त थे। 18 क्या थे? वर्ग थे। 18 क्या थे? वर्ग। और 7 आवर्त थे। क्या थे? 7 आवर्त।
पहले वर्ग को, पहले वर्ग को क्या कहा गया? पहले वर्ग को क्या बोला गया? पहले वर्ग को क्षार धातुएं, क्या बोला गया? क्षार धातुएं बोला गया, क्या बोला गया? क्षार धातुएं। पहले वर्ग को क्षार धातुएं बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तथा ये किसमें पाए जाते हैं? ये पौधों की राख में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पौधों की राख में पाए जाते हैं। पहले वर्ग के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तथा ये किसमें पाए जाते हैं? पौधों की राख में पाए जाते हैं। तो ये इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्षारीय धातुएं बोला जाता है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्षारीय किनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड मिलते हैं? प्रथम वर्ग के ही मिलते हैं। किसके मिलते हैं? प्रथम वर्ग के। दूसरे वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? दूसरे वर्ग को अपन क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातु बोले जाते हैं इसको छोड़कर। किसको? बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। इसको क्यों नहीं बोला जाता क्षारीय मृदा धातु? क्योंकि इसके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के। इसलिए इसको क्या नहीं बोला जाता? क्षारीय मृदा धातु नहीं बोला जाता। बाकी इन सबको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तथा यह क्या है? मृदा की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। तथा यह मृदा की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। अगली बात करें इन कॉपर, अभी भी मैंने बताया था इसको क्या बोला जाता है? सिक्का धातु। इसको क्या बोला जाता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है। इसको 11वें वर्ग को क्या कहता है? सिक्का धातुएं कहा जाता है। क्योंकि पुराने जमाने में क्या कहा? पुराने जमाने में इससे क्या बनाए जाते? सिक्के बनाए जाते थे। इसको क्या बोला जाता है? वाष्पशील धातुएं। इसे वाष्पशील धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पशील धातुएं कहा जाता है। वाष्पशील धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? वाष्पशील धातुएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? 17वें वर्ग को, या पहले 18वें वर्ग की बात करें, 18वें वर्ग को अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसे कहा जाता है। क्या कहता है? अक्रिय गैसे कहा जाता है। अक्रिय गैसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्रिय गैसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बंद बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। पहले इनके कोई भी कंपाउंड नहीं खोजे गए थे, अब जीनोन व क्रिप्टोन के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। जीनोन के ऑक्सीजन व फ्लोरिन के साथ कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, और क्रिप्टोन के इसके साथ फ्लोरिन के साथ कुछ कंपाउंड बनते हैं, बाकी इनके कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन वर्ग, हैलोजन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन वर्ग कहा जाता है। हैलोजन वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ग के तत्व समुद्र में पाए जाने वाले, इस वर्ग के तत्व समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर लवणों का निर्माण करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? चैल्कोजन। इनको चैल्कोजन कहा जाता है। इनको चैल्कोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने ज्यादातर अयस्क निर्माण, जो अयस्क बनते हैं, वो किनसे बनते हैं? ऑक्साइड सल्फाइड, मतलब ऑक्सीजन फैमिली से, जैसे ऑक्सीजन फैमिली से पाए बनाए जाते हैं। आगे कहें निकोजन, इनको कहते हैं निकोजन। ये क्या कहलाते हैं? निकोजन। इनकी जो कंपाउंड होते हैं उनकी संरचना वृद्ध होती है, मतलब अलग टाइप की होती है, घोंसले नुमा होती है। फॉस्फोरस के अपन देखेंगे P4O10 की संरचना घोंसले नुमा, या P4 की संरचना भी घोंसले नुमा होती है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? निकोजन कह देते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन। अब कुछ स्पेशल बातें कर लें इनके लिए, इस वर्ग के लिए। इस वर्ग में, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में
कुल 11 गैसें, आवर्त सारणी में कुल 11 गैसें उपस्थित हैं। कितनी है? 11 गैसें उपस्थित हैं। कौन सी कौन सी? 6 तो ये हो गई, 6 तो एकल परमाणुक, छह तो क्या है? एकल परमाणिक, और 5 द्विपरमाणिक। पांच क्या है? द्विपरमाणिक। द्विपरमाणिक कौन सी है? H2 N2 O2 F2 एंड Cl2। 6 एकल परमाणुक, 5 द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक कौन सी हैं? H2 N2 O2 F2 Cl2। एकल परमाणुक कौन सी हैं? ये वाली क्या है? एकल परमाणुक है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। एंड रेडोन क्या है? एकल परमाणुक है। साथ में अपन आपको पूछे सब कौन से आवर्त में सारी तत्व गैसे हैं? कौन से आवर्त में सारे तत्व गैसे हैं? तो अपन कहेंगे प्रथम आवर्त है, उसमें सारे के सारे तत्व कैसे हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, वो अपने को किस में मिलता है? गैसीय अवस्था में। हीलियम है, वो भी किस में मिलेगा? गैसीय अवस्था। आपको पूछे कौन से आवर्त में अधिकतम तत्व कैसे हैं? गैसीय हैं। कौन से आवर्त में अधिकतम तत्व गैसीय हैं? तो अपन देखें इस आवर्त, कौन से दूसरे आवर्त में अधिकतम तत्व क्या है? गैसीय हैं। कौन से हैं? N2 गैसी फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैसी फॉर्म में पाई जाती है, फ्लोरीन गैसी फॉर्म में होती है, और नियोन गैसी फॉर्म में होती है। 11 गैसों में से 4 गैसें किसमें हैं? दूसरे आवर्त में है। किसमें है? दूसरे आवर्त में है। आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़े वर्ग की अगर बात करें तो थर्ड बी वर्ग कौन सा था? यहां अपन देखते क्रोमियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये था थर्ड बी, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ये पूरे का पूरे तीनों किस में है? एट्थ में है, और ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी, ये फर्स्ट बी है और ये सेकंड बी है, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी एंड ये एट्थ बी, और ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी है। तो सबसे बड़े वर्ग के लिए बात करें तो किसको बोला जाता है? थर्ड बी वर्ग को सबसे बड़ा वर्ग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कैंडियम वाले ग्रुप में 4 तो डी ब्लॉक एलिमेंट, 4 कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 28 कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में भी दो पारियों में बांटा जाएगा। कौन सा? एक तो लेंथेनाइड और दूसरा कौन सा? एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको कहां रखा जाता है? एक वर्ग कौन सा है तुम्हें पूछे तो? थर्ड बी है, जबकि आवर्त कौन सा होगा? ये सिक्स्थ आवर्त होगा, और ये कौन सा होगा? सेवंथ आवर्त होगा। इसको कहां से कहां? 58 टू 71, और ये कहां से कहां है? 92 103, 90 से 103 है। तो अपने देखा ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, कहां से कहां? सिक्स आवर्त में, सेवंथ आवर्त में, कहां से कहां? 58 टू 71, 90 से 103, 14 कितने हो गए? 28 हो गए, और 4 ये हो गए। टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसमें?
32 एलिमेंट हो गए, कितने हो गए 32 एलिमेंट। नेक्स्ट बात करें अपन, जो तत्वों का वर्गीकरण, इसमें बात करें तत्वों का वर्गीकरण की बात करें, आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के लिए बात करें, तो आवर्त सारणी के तत्वों को दो प्रकार से बांटा गया। पहला तो किसके, अंतिम इलेक्ट्रॉन के, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर क्या होता है, कितने पार्ट में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है ए है एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व किन्हें कहा जाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछें, NS122। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS122 होता है। कौन कौन होता है इसमें, कौन किसको किसको रखा जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये क्या है, अक्रिय गैस है, इसको भी कहाँ रखा जाता है, एस ब्लॉक में ही रखा जाता है, कहाँ, एस ब्लॉक में। ये क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु। और ये सभी के सभी क्या हैं, धातु हैं, सभी के सभी क्या हैं, धातु हैं। इनमें से ये दो रेडियो एक्टिव क्या हैं, रेडियो एक्टिव धातु हैं, रेडियो एक्टिव धातु हैं। बात करें हीलियम क्या है, अधातु, सॉरी हाइड्रोजन क्या है, अधातु, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस, ये सारी की सारी धातु हैं। इनमें से ये स्टेबल धातु हैं और ये क्या हैं, रेडियो एक्टिव धातु। समझ में आई बात, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। उसमें किसको किसको रखा जाता है, इनको रखा जाता है। इनमें क्या होता है, NS122 होता है। इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनमें +1 तथा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्रथम वर्ग वाले क्या दर्शाते हैं, +1, और दूसरे वाले क्या दर्शाते हैं, +2 दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, +2 दर्शाते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं किनके तुलना में, डी ब्लॉक की तुलना में, क्योंकि इनमें बंध, इनमें धात्विक बंध होता है, वो कैसा होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। सेकेंड बात करें अपन पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, किसकी बात करें,
पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 126 होता है। कितना होता है? NS2 NP 126 होता है। इनको कहां से कहां? 13वें वर्ग से 18वें वर्ग तक। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। इसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें धातु, अधातु, उपधातु, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन से कौन से? इसमें धातु भी होती है, अधातु भी होती है और उपधातु भी। सभी प्रकार के तत्व क्या होते हैं? पाए जाते हैं। साथ में ये तत्व हैं जो ज्यादातर क्या बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अधिकतर पी ब्लॉक तत्व सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये अपने पास पी ब्लॉक तत्वों के बारे में बात हुई। अब आगे डी ब्लॉक तत्व भी आएंगे, एफ ब्लॉक तत्व भी आएंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट आगे की जो बातें हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, क्लासिफिकेशन और है, उसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी आवर्तता कौन सी प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनते जाएंगे। जेड इफेक्ट होगा, उसके बाद साइज के ऊपर बात करेंगे, IP, EA एंड EN उनके एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।